ये है स्टेट्स मिरर लाइव न्यूज। सुनिए आज की ताजा खबरें। झूठ होगा बेनकाब। कलबुर्गी शहर के दुबई कॉलोनी में किसी गड्ढे में ठहरे हुए पानी में दो लड़के तैरने के लिए जाकर मौत हो गए, जिनके नाम अभी और अजय हैं। ये वाकया कल दोपहर में पेश आया है। चौक पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। कलबुर्गी शहर में तकरीबन 660 पीडीओ पोस्ट खाली हैं, जिसमें से 150 पोस्ट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं। ग्रामीण और पंचायत डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रियांक खरगे जी ने मीडिया को ये बताया। कलबुर्गी शहर में बहुत ज्यादा बारिश होने के इम्कान है, डीसी फौजिया तरन्नुम साहिबा ने कहा, और उन्होंने तमाम ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर्स ना छोड़कर जाने का हुक्म दिया, क्योंकि किसी भी वक्त आवाम को उनकी जरूरत पड़ सकती है। अलन तालुका खजूरी बॉर्डर के करीब राहुल नामी एक लड़के की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हो गई है, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। कलबुर्गी शहर में आइंदा और एक हफ्ते तक लगातार बारिश होने के इम्कान है, ऐसा मौसमियात इलाके ने इत्तला दी है। एहतियात करने के लिए डीसी फौजिया तरन्नुम साहिबा ने कहा। कलबुर्गी शहर के 500 मीटर के दरमियान में जो भी खाने के ढाबे हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा पुलिस कमिश्नर आर चेतन ने मीडिया से बात करते हुए कहा। शहर में कांग्रेस पार्टी के जनविरोध एक्टिविटीज के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एजिटेशन निकाला। कलबुर्गी शहर के केरेबोजगा गांव में बारिश की वजह से बहुत सारे मकानों को नुकसान पहुंचने की वजह से एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल ने मुआयना किया और गवर्नमेंट से पैसे दिलाने का उन्हें भरोसा भी दिया। मणिपुर में बेकसूर औरतों पर जुल्म होने के खिलाफ सीपीआईएम की एक्टिविस्ट के नीला ने तयकुन दिया कि वो मणिपुर की औरतों के साथ है। कलबुर्गी शहर में रामजी नगर एक्सटेंशन से एक 19 साल लड़की लापता हो गई है। इसी सिलसिले में राजशेखर नामी बाप ने रोजा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है। पुलिस की जानिब से अभी तफ्तीश जारी है। महागांव पुलिस की जानिब से एक चोर को पकड़ा गया। चोर के पास से 1,60,000 रुपए के जेवर जब्त कर लिए गए। कलबुर्गी शहर में लक्ष्मीबाई कमियाने कॉलेज के एग्जामिनेशन में ग्रुप कॉपी चलने की इत्तला मिलने पर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन की जानिब से धाबा बोल दिया गया और प्रिंसिपल और दूसरे लोगों पर एफआईआर दाखिल की गई। आज कड़गी गांव में ग्राम पंचायत के इलेक्शन रखे गए हैं। पुलिस की जानिब से किसी भी अनहोनी घटना ना हो, इस बात का कड़ा इंतजाम किया गया है। सोमवार के लिए पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में हल्की मध्यम से व्यापक वर्षा के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उड़ीसा और तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मुस्लिम समन्वय समिति केरल में मुस्लिम संगठनों का एक समूह, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है, उन्होंने कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को प्रस्तावित समान नागरिकता संहिता यूसीसी के खिलाफ 26 जुलाई को कोझिकोड में होने वाले एक सेमिनार में आमंत्रित किया है। इसका खुलासा पीएमए ने किया। IUML के प्रदेश अध्यक्ष सैयद सादिक अली शिहाब लंगल समिति के अध्यक्ष हैं। 15 जुलाई को कोझिकोड में CPIM द्वारा UCC के खिलाफ आयोजित एक सेमिनार में शामिल होने के निमंत्रण को IUML द्वारा अस्वीकार करने की पृष्ठभूमि में एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। IUML ने तब बताया था कि CPI ने कांग्रेस सहित यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF में किसी अन्य पार्टी को इसी तरह का निमंत्रण नहीं दिया था। हालांकि एक प्रभावशाली सुन्नी विद्वानों के मंच समस्त केरल जेम इयाथुल उल्मा ने CPIM के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। श्री सलाम ने मीडिया को बताया कि समन्वय समिति के कार्यक्रम में मुख्य धारा के सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा, जहां तक हमें पता है, कांग्रेस, IUML, CPIM और CPI जैसे राजनीतिक दलों और जमात इस्लामी जैसे संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या IUML भी इसी तरह का आयोजन करेगा, उन्होंने जवाब दिया। सलाम ने इसके बारे में आगे कहा कि अगले सप्ताह होने वाली UDF बैठक के बाद निर्णय लिया जा सकता है। आयोजकों के अनुसार समान नागरिक संहिता ध्रुवीकरण एजेंडा के अनदेखे कोण शीर्षक वाला कार्यक्रम शाम 4 बजे कोझिकोड के कंदमकुलम में मोहम्मद अब्दुल रहमान मेमोरियल जुबली हॉल में आयोजित किया जाएगा। DM के नेता और तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। थंगल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
एनआईए ने बीकेआई और केटीएफ के लिए धन जुटाने के लिए जटिल तंत्र का भी पता लगाया है। फंड को भारत स्थिति या सहयोगियों को अनौपचारिक चैनलों के साथ साथ लेयरिंग और फंड प्रोविजनिंग के माध्यम से औपचारिक चैनलों के माध्यम से भेजा जा रहा था। जैसा कि आरोप लगाया गया है, धन हस्तांतरण के विभिन्न माध्यमों का उपयोग इस तरह से किया जा रहा था कि धन भेजने वाले या प्राप्तकर्ता के वास्तविक व्यक्ति की पहचान छिपी रही है। एनआईए बीकेआई और केटीएफ से जुड़े 16 अन्य और फरार और गिरफ्तार आरोपियों के लिंक की भी जांच कर रही है। एक पूर्व गैंगस्टर रिंडा अब एक प्रमुख बीकेआई सदस्य और खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता है। 2018-19 में वो पाकिस्तान भाग गया था। एजेंसी ने कहा वो पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में हथियारों, गोला बारूद, विस्फोटकों और दवाओं की तस्करी, बीकेआई कार्यकर्ताओं की भर्ती जैसे अपराधों में शामिल है। वो कथित तौर पर मई 2022 में पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय मोहाली पर रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आरपीजी हमले सहित आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और इस साल उसे व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया था। एनएसजी टीम ने घटना के कारण का पता लगाने के लिए शिमला में विस्फोट प्रभावित रेस्टोरेंट का दौरा किया। शिमला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की एक टीम ने रविवार को यहां मॉल रोड पर भोजनालय का दौरा किया, जहां गैस रिसाव के कारण स्पष्ट रूप से विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 13 अन्य लोग घायल हो गए। ये विस्फोट 18 जुलाई को शहर के मध्य में मिडिल बाजार में स्थित हिमाचली व्यंजन परोसने के लिए मशहूर हिमाचली रसोई रेस्टोरेंट में हुआ था। पुलिस ने कहा कि विस्फोट जाहिर तौर पर गैस रिसाव के कारण हुआ। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि एनएसजी के राष्ट्रीय बम रेचा सेंटर की एक टीम विस्फोट के बाद की जांच के लिए आई है, ताकि विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा सके। इस स्थान पर ये विस्फोट हुआ है, वो स्थान संवेदनशील है क्योंकि ये पुलिस रिपोर्टिंग रूम के पास है। उन्होंने कहा एनएसजी इस क्षेत्र में माहिर है और सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार विस्फोट का कारण निर्धारित करने के लिए उनकी सेवाएं ली जा रही है। 19 जुलाई को श्री कुंडुक ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और कहा कि प्रारंभिक जांच और फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि गैस रिसाव के कारण ही शायद ऐसा हुआ। फाल स्थित कुकुनी ने अपने मणिपुर प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद को पत्र लिखा है। इंफाल घाटी स्थित नागरिक समाज संगठनों के एक प्रमुख निकाय ने यूरोपीय संसद से कहा कि वो राज्य में अप्रवासी चिंकू किनार को आतंकवादियों और स्वदेशी मैत्री लोगों के बीच हिंसा को धार्मिक संघर्ष के रूप में पेश करके मणिपुर को नशीली दवाओं के व्यापार का नया स्वर्ण त्रिभुज न बनने देंगे। रविवार को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेत्सोला को लिखे एक पत्र में मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति कोकुमी ने यूरोपीय संघ के सदस्यों की राय को खारिज कर दिया और कहा कि ये निहित स्वार्थी समूहों द्वारा फैलाए गए झूठ के जाल से लिया गया है। कोकुमी ने मणिपुर पर पहला प्रस्ताव पारित करने के लिए यूरोपीय संसद की सराहना की। हालांकि ये जानकर अफसोस होता है कि नार्को आतंकवाद का मुख्य मुद्दा जो संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है, आपके द्वारा अपनाए गए संकल्प से हटा दिया गया। आपके संकल्प गलत और भ्रामक दृष्टिकोण से निर्देशित थे, जिससे आप मणिपुर में ईसाई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मैत्री हिंदू के बीच संघर्ष के रूप में इस मुद्दे की गलत समझ पर पहुंच गए। कोकुमी समन्वयक जितेंद्र निगोम्बा ने कहा मणिपुर में 13,000 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया। रेत की बोरियों से लेकर टिन बोर्डों तक के अल्प विकसित बंकर दोनों समुदाय द्वारा तलहटी में या उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे जहां उनकी बस्तियां एक दूसरे से सटी हुई या निकटता में थी। झूठी खबर फैलाने पर एक केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने रविवार को एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी से शिकायत मिलने के बाद झूठी खबर फैलाने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी और उसके बेटी की तस्वीर को 4 मई के वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ मिलाया गया था और कैप्शन दिया गया था कि वे सीधे अपराध में शामिल थे और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था। उन्होंने बताया कि दोषियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य के लिए आवश्यक वस्तुओं से भरी पहली मालगाड़ी को रविवार को गुवाहाटी मॉल यार्ड से हरी झंडी दिखाई गई। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ये देखते हुए कि तामेंगलांग के खोगसांग रेलवे स्टेशन के लिए जाने वाली ट्रेन मणिपुर के लिए तेज और कुशल कनेक्टिविटी के एक नए युग का प्रतीक है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी। ये पूछे जाने पर कि क्या पिछले महीने उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद श्री बघेल और उनके बीच तनाव अतीत की बात है, श्री सिंहदेव ने कहा कोई वास्तविक कड़वाहट या दुश्मनी नहीं थी, हम श्री बघेल और वो
साथ मिलकर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री पद को ढाई ढाई साल के लिए साझा करने का मुद्दा था। मुझे लगता है कि ये हमारे दिमाग के साथ साथ हम दोनों से जुड़े हर किसी के दिमाग पर असर कर रहा था। वो समय बीत चुका है जब वो मामले चर्चा में थे, तब भी हम थे। हम अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में ढाई साल नहीं मिलने पर विश्वासघात की भावना महसूस हुई, उन्होंने कहा, मैं इसे विश्वासघात के रूप में नहीं देखता हूं, मैं इसे एक निर्णय के रूप में देखता हूं। जो पार्टी आला कमान लेता है ये उनका फैसला है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये आला कमान है जो फीडबैक के आधार पर हम सभी को निर्दिष्ट भूमिका देता है। इसमें कोई विश्वासघात नहीं है क्योंकि ये वो फैसला है जिसे आला कमान को लेना है और हम उसका पालन करते हैं, श्री सिंहदेव ने कहा। ये पूछे जाने पर कि क्या उप मुख्यमंत्री बनाया जाना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है या प्रगति, श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत वो पहले से ही कैबिनेट में नंबर दो पर है। ने आगे कहा कि मैं कैबिनेट में मंत्रियों में से एक था, मैं उन मंत्रियों में से एक हूं जिन्हें उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया गया है। मैं पार्टी का आभारी हूं, पार्टी आला कमान और भूपेश भाई का बहुत आभारी हूं क्योंकि सभी की सहमति और आशीर्वाद से ये हुआ होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या सभी मुद्दे अतीत की बात हो गए हैं और पार्टी छत्तीसगढ़ में एकजुट है, श्री सिंहदेव ने ये कहा कि नेता पहले भी एकजुट थे और आज भी एकजुट है। क्षेत्र की ही मंजू कुमारी और एक लाभार्थी ने कहा कि उन्हें श्री चौहान के वादे पर पूरा भरोसा है कि राशि धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 कर दी जाएगी। सुश्री कुमारी ने कहा अगर उसने 1,000 दिए हैं तो वो 3,000 भी देंगे। वास्तव में भाजपा ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि 3,000 के वादे पर जोर देना महत्वपूर्ण है और कहा कि 1,000 से 1,250 तक की पहली वृद्धि राज्य में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले एक महीने या उससे भी ज्यादा समय में की जाएगी। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि इसी तरह के वादों की स्थिति में जिसके पास वादे पूरे करने का ट्रैक रिकॉर्ड होगा उसे लोगों का विश्वास मिलेगा। लाडली लक्ष्मी योजना के साथ शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड विश्वसनीय है। भाजपा को एक ऐसी चीज से परेशानी हो सकती है जो कर्नाटक में भी पार्टी की सरकार के खिलाफ काम करती है। कांग्रेस पहले ही महिलाओं को रसोई गैस खरीदने पर 500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी के बारे में भोपाल या सीहोर में भी नहीं सुना गया। इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में वादों को पूरा करने का श्री चौहान का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में भाजपा की संभावनाओं की कुंजी है। बहुत स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास श्यामला हिल्स का रास्ता राज्य की आंगनबाड़ियों और रसोई घरों से होकर जाता है। NIA ने BKI और खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। NIA ने शनिवार को 3 सूचीबद्ध व्यक्तिगत आतंकवादी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI और खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF से जुड़े 6 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपित लोगों में कथित तौर पर गैंगस्टर से आतंकवादी बने, ड्रग तस्कर और आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। आरोप है कि BKI के हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा और KTF के अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला विदेशों से काम कर रहे हैं, जहां से उन्होंने अपने गुर्ग का अपना नेटवर्क बनाया है। उनके पाकिस्तान और अन्य देशों में ड्रग तस्करों और पाकिस्तान समर्थक गुर्गों के साथ घनिष्ठ संपर्क है। विदेश स्थित गुर्गों के इस जटिल नेटवर्क के माध्यम से वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों, जबरन वसूली और हथियारों और दवाओं की सीमा पार तस्करी को अंजाम देने के लिए भारत में अपने सहयोगियों की भर्ती, प्रेरित और प्रबंधन कर रहे हैं। उनके पास स्थानीय गैंगस्टरों, संगठित आपराधिक सिंडिकेट और नेटवर्क सहित उत्तरी भारत में सक्रिय प्रमुख गिरोहों के साथ भी संबंध है। मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए BJP और महिला कल्याण के वादों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। प्रदेश में भाजपा के लिए जो राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ एक कथा युद्ध से जूझ रही है। अभियान महिला मतदाताओं, राज्य के मतदाताओं का 48% को कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरा करने में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के रिकॉर्ड पर विश्वास करने के लिए मानने के लिए उबल रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी प्रचार रणनीति में महिला मतदाताओं को आगे और केंद्र में रखा है, जबकि राज्य सरकार ने 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक आय सहायता प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है। कांग्रेस ने 1,500 प्रति महीने पर नारी सम्मान योजना का वादा किया है। चौहान सरकार पहले ही योजना की 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2 किस्तें जारी कर चुकी है, जो लगभग 2,400 करोड़ से अधिक है। हालांकि चुनौती लाभार्थियों को ये विश्वास दिलाने की हाथ में एक पक्षी झाड़ी में 2 पक्षियों के बराबर है, जिसका मतलब कांग्रेस का वादा है।
ये सीहोर से अधिक स्पष्ट कहीं नहीं है, जहां लाडली बहना योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र बुधनी के कुछ हिस्से सीहोर में आते हैं। एक निवासी राधा मेवाड़ ने कहा, हमें लाडली बहना की पैसे किश्तें नियमित रूप से मिल रही हैं और ये पैसा वास्तव में मददगार है। वो अपने बच्चों को पालने पोसने से लेकर दवाइयां खरीदने और रसोई गैस खरीदने तक विभिन्न चीजों के लिए नकदी का ये उपयोग करती है। कप्तान कमिंस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया एशियज अपने घर ले जाकर वो खुश हैं। पैट कमिंस ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत खराब परिस्थितियों में भी एशियज बरकरार रखकर खुश है। रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में 14 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता आगे आना और जीतना है, लेकिन इसे बरकरार रखना अच्छा है। ये गर्व करने वाली बात है। परिणाम 2019 जैसा ही है, लेकिन भावना अलग है। विंगार्ड ने टूर डी फ्रांस 2023 जीत लिया। मियंस अंतिम चरण में है। डेनमार्क के जोनास विंगार्ड ने रविवार के अंतिम चरण में मुख्य समूह में सुरक्षित रूप से समाप्त होने के बाद लगातार टूर डी फ्रांस खिताब जीता, जिसे बेल्जियम के जॉर्डी मीस ने जीता था। स्लोवेनियाई ताडेज पोगाकर दूसरे और ब्रिटेन के एडम येट्स तीसरे स्थान पर रहे। बेल्जियम के जैस्पर फिलिप्सन ने अंक वर्गीकरण के लिए हरी जर्सी जीती। ये थे आज के धमाकेदार खबरें। झूठ होगा बेतुका। इन खबरों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।